7 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर सेंसर की वजह से 13 तारीख को रिलीज हुई। कुछ कस वर्ड्स को लेकर बैन, वॉलेंट सीन्स को लेकर कुछ बैन की बात चल रही थी, वापस कमेटी में गई और फिर बाद में रिलीज हुई। तो सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ सवाल है कि कितना इम्पैक्ट डायल्यूट हो गया फिल्म रिलीज होने के बाद, या ज्यादा इम्पैक्ट आता वो सीन्स वो डायलॉग रहते, जैसे आजकल की दौर ही चल पड़ा है सेंसर बोर्ड में, AIB कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, इंडियाज डॉटर बैन हो गया, BBC का जो डॉक्यूमेंट्री है, हमने ऑब्वियसली जब फिल्म बनाई थी हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली फिल्म को बनाया था, हमने कोई गिमिकी फिल्म तो नहीं बनाई है, तो हमने ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया था कि कितना हद तक हम कुछ बोल सकते हैं जो कह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी अपनी खुद की सेंसरशिप कर दी थी, जो हर इंसान करता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो जब आपकी पिक्चर बन जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो हाँ, हमको ऑब्वियसली प्रॉब्लम यू नो फेस करनी पड़ी उस वजह से, क्योंकि हम लोग अडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा था तो थोड़ा सा अजीब लगा कि अडल्ट सर्टिफिकेट में हमको कट्स मांगे गए थे, लेकिन हमने एनीवेज उस समय पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही था करना, तो हमने वो किया। एंड जब हमने अप्लाई किया चेंजेस को और देखा कि फिल्म में कितना इफेक्ट कर रहा है, इट वॉज नॉट टोटली किलिंग द इम्पैक्ट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट ऑब्वियसली एज पीपल हमने जो हमें इतने सालों से उसके साथ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं बनाते हुए फिल्म को, और उसको इतना क्लोजली यू नो आपने रखा है अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फिल्म को, तो उसके बाद जब आपको बोला जाता है कि आप कार्ड दो, तो ऑब्वियसली थोड़ा यू नो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि उसका फुल इम्पैक्ट नहीं आता है। अनुष्का, कई सारी बायोपिक फिल्में हमें देखने को मिली और कई सारी बायोपिक फिल्में आ भी रही हैं, तो अनुष्का को हम देखेंगे, कोई आपको प्रोजेक्ट है आपके बायोपिक? अभी तो कुछ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं बायोपिक अगर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंसान की होगी तो मैं करना चाहूंगा। I think we should do a biopic on Anushka Sharma. Yeah, I never know. और ये होने हो जाएगा, कुछ सालों बाद होगा, क्यों नहीं होगा। और ये गले में बहुत अच्छा पहना आपने, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पहना हुआ, पता नहीं किसका मैंने खरीदा, लेकिन आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर चॉइस, आई मीन इट्स गुड फॉर एक्टर्स टू नॉट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स वन थिंग टू मच, so I want to just do varied like roles in different characters. How choosy are you with your craft? Very choosy. I only want to be part of films that I can feel like मुझे करने में मजा आए, just that is like I'm able to contribute something to as an actor. Okay. Now as you have got success with NH10, where you are the only leading lady, the star of the film, so what would you prefer next, like being a part of the movie where there are superstars? I would just like to be part of good cinema and good films. I don't think about all these other things, you know. Any woman-oriented movies most? Or just good scripts and good stories. अनुष्का, कितना मायने रखता है कंटेंट किसी फिल्म को हिट कराने के लिए? आप सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और से ज़्यादा मुझे पहले एक दो दिन एक स्टार वैल्यू पे फिल्म चल सकती है, लेकिन उसके बाद वो कंटेंट पे चलती है, उसके बाद अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो कोई फालतू में आपकी फिल्म आके नहीं देखेगा। स्टोरी हीरो होती है फिल्म की। स्टोरी अबाउट रेगुलर पीपल एंड अनुष्का इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद एन ए-लिस्टर. But we had enough of workshops and we're on the same page. When you act with an actor, then at that time it doesn't matter who is in front of you. If you're acting, kar rahe ho. Neel, aapko nahi lagta ki ye aapki career changing, yahan se aapka career turn out ho jayega? Haan, this has been a highlight of my career, definitely. And NH10 has been very exciting. Koi aisa khas experience shooting ke dauran bataye jo bahut share karne mein? No, nothing apart from like just the sandstorm jo hua tha, wo hamare liye kafi scary tha. And that's it. That's pretty much it. Okay, since the film is grand success, how are you celebrating? All of you together, party plans? बहुत दारू पी रहे हैं। किस तरह से पार्टी हो रही है? जैसे celebration किस तरह से आप प्रसन्न करके celebrate करना? How do you celebrate? Right now, though, it's like we've actually been busy with promotion. We were celebrating, I think just spending time with each other and just kind of feeling like you know that हम लोग साथ में बैठ के reviews पढ़ रहे हैं और लोग भी comments पढ़ रहे हैं, share कर रहे हैं कोई क्या बोल रहा है. उसमें इतना मजा आता है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपकी लोगों को अब तक फिल्म के लिए? मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे फिल्म के राइटर से मिला था, जिन्होंने कहा था कि आपने फिल्म को स्क्रिप्ट्स के लेवल से भी ऊपर कर दिया, सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एक्टर कैन गेट। आप दोनों के लिए
मुझे मेरी मॉम का कॉल आया फिल्म देखने के बाद एंड शी वाज डैम स्केयर्ड ऑफ मी, फोन पे कांप रही थी और वो कह रही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. तो मैंने कहा मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप ये क्या हुआ, एक्टिंग कर रहा था तो अभी तक वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी और डरी हुई है. सारे ट्विटर पे हैं सबसे पहले तो आपकी फिल्म काफी सफलता हासिल किया उसने, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आज सक्सेस के बाद? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेस एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन नवदीप फ्रॉम द डे वन एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट सब्जेक्ट एंड सच अ रियलिस्टिक सब्जेक्ट. वी नो व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर एंड वी जस्ट रीड इट इन द न्यूज़पेपर इन वन लाइन एंड व्हेन वी टर्न आवर पेजेस वी फॉरगेट अबाउट इट. वी जस्ट फील सॉरी फॉर दैट मिनट बट देन व्हेन यू सी समथिंग विजुअली, when you feel, you obviously feel the pain, you feel the emotions, the pain that what a person has gone through during that time. So Navdeep has shown it so beautifully that people at the when the audience, when I saw the audience reaction, brilliant reaction which I've never seen, they felt the pain, they had the palpitations, they felt the emotions so deeply that they were into the movie. They didn't know, they felt like what is going to happen, you know, they were so glued to their seats. That's, I've never seen such a film ever seen the audience reaction like this. Like it was, aapne abhi kaha ki hum padhte hain aur padhna padhte hain bhul jate hain, to theek hai hum mante hain us baat, lekin aap bhi to as a personal aapka kya take hota hai un sab cheezon pe? इसलिए तो हमने ये पिक्चर बनाई है कि वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट इज़ हैपनिंग. हमें सब रियलिटी मालूम है कि ऐसे हो रहा है. वी ओनली वी लिव इन दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड वी फॉरगेट व्हाट इज़ हैपनिंग. दैट इज़ आल्सो अ प्लेस, दैट इज़ आल्सो इंडिया. वी ऑलवेज सी दैट आफ्टर द सिटी मॉल्स एंड वी क्रॉस वो जगह हम भूल ही गए हैं. हम हमें तभी याद आता है जब हम वो नेशनल हाईवे में जाते हैं और ऐसे सब इंसिडेंट हो चुके हैं, हो रहे हैं. तो हमें ये सब वी ऑल शुड नो व्हाट्स हैपनिंग एंड सो ब्रिलियंटली नवदीप जी हैज शोड अस.